हाय गाइस, मैं हूँ टीएस और आप देख रहे हैं टेक्निकल सचिन। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से आपका फायदा यह होगा कि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो मैं बनाऊंगा तो वह वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। तो चलिए, आज आपको हम एक नोकिया के हैंडसेट है, ये हैंडसेट में प्रॉब्लम यह है कि इसकी चार्जिंग नहीं हो रही, तो इसका आपको आज हम सोल्यूशन बताएंगे। नोकिया का हैंडसेट जो आपके सामने आप इसे देख सकते हैं। ओके, एक मिनट, आपको अगर से नहीं दिख रहा हो तो मैं मेरे कैमरे को थोड़ा अच्छा कर ले तो आप देख सकते हैं। नोकिया के हैंडसेट है, इसका 1110 मॉडल है। आप देख सकते हैं हैंडसेट पूरी तरीके से चालू है। इसे मैं एक चार्जर लगाता हूँ, आप देख सकते हैं ये वाला चार्जर का पिन मैं इसे लगा रहा हूँ, लेकिन हैंडसेट अभी चार्ज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं हैंडसेट चार्ज नहीं हो रहा है। ओके, तो इसके लिए आपको पहले इस हैंडसेट को खोल लेना पड़ेगा। अभी तो मैं इस हैंडसेट को खोल लेता हूँ, आप देख सकते हैं अभी मैं इसका ये नट निकाल चुका हूँ, ये वाला भी नट मैं निकालूंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको पीछे से इसकी जो बैटरी है, आपको बैटरी इस तरीके से निकाल लेना है। जो सिम कार्ड है वो सिम कार्ड भी आपको इस तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद में जो पीसीबी जो है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसे भी आपको इस तरीके से निकाल के साइड में रख देना है। साइड में रखने के बाद ये वाला जो इसका चार्जिंग सॉकेट है, आप देख सकते हैं ये वाला निकालेंगे हम पहले। तो आप देख सकते हैं इस चार्जिंग सॉकेट में प्रॉब्लम ये वाला है, जो इसके अंदर इस होल में एक कनेक्टर रहता है, इसमें वो ख़राब हो चुका है, डायरेक्टली डैमेज हो चुका है। वो कनेक्टर जो है उसमें शो नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। आपको सामने लाके मैं दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, उसमें वो कनेक्टर शो नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और अब मैं नया जो चार्जिंग का सॉकेट लूँगा तो ये वाला नया है, आप देख सकते हैं इसमें जो है तो कनेक्टर शो हो रहा है। आपको मैं दोनों बताऊँगा, एक मिनट। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला ये नया वाला है, इधर वाला और ये पुराने वाला है। तो पुराने वाला ये वाला है, आपको इसमें कनेक्टर नहीं दिख रहा है, और नया वाला ये वाला है तो इसमें आपको कनेक्टर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अभी पुराने वाले इसको मैं फेंक दूंगा, और जो नया वाला जो सॉकेट है इसे मैं पीसीबी के अंदर, बोर्ड के अंदर लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो मिडल है, मिडल में मैं इसे इस तरीके से रख देता हूँ। रखने के बाद जो पीसीबी है इस तरीके से लगा देता हूँ। लगा देने के बाद इसके जो है तो इसे दो स्क्रू में लगा देते हो, आप देख सकते हैं। मैं अभी पहले इसे स्क्रू लगाऊंगा, उसके बाद बैटरी डाल के इसे चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं, हैंडसेट चालू हो रहा है या नहीं। तो हैंडसेट पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। अभी मैं चार्जिंग का सॉकेट लूँगा, या फिर आप देख सकते हैं चार्जिंग का सॉकेट लेके मैं इसे लगाता हूँ, हैंडसेट चार्ज हो रहा है। आप देख सकते हैं हैंडसेट पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा है। आपके सामने अभी हैंडसेट है, आप देख सकते हैं हैंडसेट चार्ज हो रहा है। बंद में आपको चार्जिंग करके बताऊंगा, आपको बंद में भी चार्ज होगा ये हैंडसेट। अभी मैं हैंडसेट बंद कर दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं हैंडसेट अभी अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा है, आपको ब्लिंकिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, अभी मैं जो इसके जो नट है वो भी लगा देता हूँ स्क्रू ड्राइवर से मेरे। उसके बाद में जो इसका जो फ्रंट जो है, तो ये वाला जो फ्रंट जो है तो इसे आपको इस तरीके से लगा देना है, आप देख सकते हैं हैंडसेट अभी पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं कि हैंडसेट अभी पूरी तरीके से मेरा रिपेयर हो चुका है। आपको शो भी कर रहा होगा हैंडसेट में कि जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। इसका मैं ढक्कन एक बार लगा देता हूँ, और ये मेरा अभी हैंडसेट जो है पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है। आप देख सकते हैं नोकिया का 1110 जो हैंडसेट है, आज हमने रिपेयर किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने रिपेयर किया, आपको इसका जो मॉडल नंबर है वो बता देता हूँ। आप देख सकते हैं 1110 आए नोकिया का हैंडसेट है। तो मेरा वीडियो अगर से पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना।